उत्तराखंड के नैनीताल के विकासखंड कोटाबाग में सुबह करीब 4 बजे हाथियों के झुंड ने 1.5 एकड़ जमीन पर लगी धान की फसल को बर्बाद कर दिया। उत्तराखंड के बागजाल में आज हाथियों के झुंड ने लगभग 1.5 एकड़ जमीन पर लगी धान की फसल को रौंद दिया। गांव के सरपंच दिनेश चंद सानवाल द्वारा मीडिया और रेंज ऑफिस कालीडूंगी को खबर दी गई। हमारे संवाददाता ललित भट्ट सुबह गांव में पहुंचे, लेकिन वन विभाग की टीम ने फोन पर आने का आश्वासन दिया, लेकिन सरपंच दिनेश सानवाल ने बताया कि खबर एक्सपर्ट की टीम के अलावा अभी तक वन विभाग ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है, जबकि किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है। जो किसानों की धान की फसल का नुकसान हुआ है उसमें मुख्यतः प्रेमचंद सानवाल, धारा वल्लभ सानवाल, हरीशचंद सानवाल, गंगादत्त सानवाल, हरिश्चंद आदि किसान हैं। उत्तराखंड से ललित भट्ट की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वन पंचायत फतेहपुर का सरपंच हूं और दिनेश चंद सानवाल। हमारे गांव में हाथियों ने 1.5 एकड़ जमीन नष्ट कर डाली है और यहां जो जिन जिन लोगों की जमीन है, परमानंद, हरिचंद और धारा वल्लभ, मनोरथ, प्रेम वल्लभ और बाकी अन्य लोगों के जमीन में नुकसान हुआ है। इसमें आपने किसी को सूचना दी है? वन पंचायत हमारे रेंज जो कालाडूंगी है, मैंने सूचना सुबह ही कर चुका हूँ। और टीम पहुंची है अभी तक? अभी तक नहीं पहुंची है, अभी सिर्फ आश्वासन ही दिया। आश्वासन दिया है, आएंगे करके। ओके सर। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट पेज को लाइक करें और सीफर्स करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।